Good morning, dear stars. How are you all, dear stars? I hope so all are very good and also enjoying your video. So, dear students, once again I'm here with your new video. This is English grammar. Okay, so all students, take out your English grammar book and open chapter 5, nouns, singular and plural. Okay, students, today here I discuss about that your chapter 5 in English grammar book, nouns, singular and plural. So, all students, let's start your chapter 5. Dear students, आज हम chapter 5 nouns singular and plural पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि singular means क्या होता है. सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन. ठीक है, जहाँ पर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि आई हैव अ पेन. अब यहाँ पे आ पेन है, इट मीन्स दैट यहाँ पे एक वचन है. ओके, और प्लूरल मीन्स क्या होता है, जहाँ पर एक से अधिक चीज़ों की बात होती है उसे हम प्लूरल कहते हैं, और हिंदी में बहुवचन कहते हैं. जैसे कि आप देखिए, यू हैव मेनी बुक्स. अब देखिए, आपके पास मेनी बुक्स है, मेनी इट मीन्स दैट बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. ओके, समझ में आ गया बच्चों. सबसे पहले समझेंगे सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है और प्लूरल मीन्स बहुवचन होता है. तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर एंड दीज सेंटेंसेस. व्हाट यू आर आस्किंग दैट, काउंटेबल्स नाउंस. यू नो दैट काउंटेबल्स नाउंस क्या होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउंस कहते हैं. काउंटेबल नाउंस कैन बी वन और मेनी. व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट वन थिंग वी यूज द सिंगुलर. ओके, एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट मेनी थिंग्स वी आर यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन. जब भी काउंटेबल नाउन में, जिनको हम गिन सकते हैं, ओके बच्चों, जहाँ पे एक चीज़ों को हम बात करेंगे, एक चीज़ की बात करेंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. और जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की, मेनी थिंग्स की बात करेंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. ओके बच्चों, चलिए आज हम सिंगुलर प्लूरल को बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं. बच्चों, आज इस पार्ट में मैं कुछ रूल्स को आपको पढ़ाऊंगी. आपको रूल्स पढ़ना है और समझना है और तैयार करना है. ओके क्लास, देखिए फर्स्ट रूल क्या है. द प्लूरल ऑफ मोस्ट वर्ड इज मेड बाई एडिंग द लेटर एस. ओके, वर्ड एज इन. देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आपसे प्लूरल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे यू आर अ गर्ल. ओके, जी आई आर एल, गर्ल. अब गर्ल मीन्स हो गया एक लड़की. अब हम यहाँ पे गर्ल का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे. जब भी आप गर्ल का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जी आई आर एल एस, ना. इट मीन्स दैट ये आपका हो जाता है गर्ल्स. क्या हो जाता है, गर्ल्स. गर्ल्स मीन्स क्या होता है, लड़कियाँ. एंड गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की. तो यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया, एस. ओके, तो चलिए बच्चों, कुछ सिंपल्स नाउन होते हैं जिनमें हम एस ऐड करके क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करके हम क्या बना देते हैं, प्लूरल फॉर्म बना देते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप रीड करेंगे. गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स. एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल्स. एस ऐड कर देंगे. डॉग का डॉग्स. शर्ट का शर्ट्स. स्ट्रीट का स्ट्रीट्स. ओके, बैग का बैग्स. ये क्या है आपका, फर्स्ट रूल है, हम एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. ओके बच्चों, समझ में आ गया ना. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल हम देखेंगे बी. बी में क्या बता रहा है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या क्या आएगा. यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस, ओके, डबल एस, ओके, सी एच, एस एच, ठीक है, एक्स और ओ आएगा, वहाँ पे हम प्लूरल बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे, ई एस. ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस आएगा, डबल एस आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, एक्स आएगा, ओ आएगा, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड कर देंगे. चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. ओके क्लास,
देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या एग्जांपल, जैसे बस। अब बस में आपने देखा कि बी यू एस लिखा है, ओके, लास्ट में क्या आया, एस आया, तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, ई एस ऐड कर दिया, तो आपका प्लूरल क्या हो गया, बी यू एस ई डबल एस, सॉरी ई एस, ओके, ये आपका हो जाएगा बसेस, ओके क्लास। इसी तरीके से आप सारा रीड करेंगे, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस 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 ई एच एस एच ओ और एक्स आएगा, इसको लाइन से याद कर लो, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एंड ओ आएगा, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, वॉच, वॉच में सी एच आया, ठीक है, देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे डब्ल्यू ए टी सी एच, अब देखिए सी एच आ गया, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया, वॉचेज हो गया, ओके। इसी तरीके से फॉक्स में एक्स आया, तो एक्स में हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉक्सेज हो जाएगा। इसी तरीके से विश है, विश में क्या आया है, एस एच आया है, तो विशेज हो जाएगा। गैसेज, लैशेज, ब्रांचेज एंड व्यूसेज, तो इसी तरीके से हम ई एस ऐड करके बनाएंगे न्यू प्लूरल वर्ड, ओके बच्चों। आज आपने ए एंड बी रूल्स पढ़ा है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे और सारे एग्जांपल्स की राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। आज का आपका वर्क क्या है, व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल, सो आप यहाँ से लिखेंगे, काउंटेबल नाउन्स कैन बी वन और मेनी, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट वन थिंग वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन, एंड नेक्स्ट लिखेंगे, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट मेनी, यहाँ पे आप सिंगुलर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप प्लूरल मेंशन करेंगे, उसके बाद से ये सारे डेफिनेशंस राइट करेंगे, ओके क्लास, एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर।